महिला बिग बॉस 14 में धमाकेदार एंट्री से पहले राखी सावंत जूझ रही थी आर्थिक तंगी से। क्या फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए बेचनी पड़ी थी प्रॉपर्टी और ज्वेलरी? क्या पास्ट में राखी सावंत ने की कोई चोरी? वेल, क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। राखी सावंत 14 साल बाद एक बार फिर कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस में नजर आएंगी। दरअसल शो के 14वें सीजन में मेकर्स ने पुराने कंटेस्टेंट्स को फिर से हिस्सा लेने का मौका दिया है। पुराने कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में विकास गुप्ता, कश्मीरा शाह, मनु पंजाबी, राहुल महाजन और अर्शी खान के साथ राखी सावंत भी शामिल हैं। दैनिक भास्कर से बातचीत में राखी ने बताया कि पिछले कुछ सालों से उनके साथ कुछ ऐसा हादसे हुए जिसके चलते उन्हें आर्थिक तंगी झेलनी पड़ी, यहां तक कि उन्हें गुजारे के लिए अपने जेवर और प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ी। राखी सावंत ने कहा, पिछले 3-4 साल में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मेरी पर्सनल लाइफ में काफी उथल पुथल हुई थी, मेरे साथ ऐसे कई हादसे हुए जिसकी वजह से मैं काम पर फोकस नहीं कर पा रही थी, मेरे साथ धोखा हुआ था, मुझे कई लोगों ने लूटा भी, मैं फ्रॉड इंसान का शिकार हुई, इतने समय तक काम न करने की वजह से मुझे आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा, अपनी बेसिक जरूरतों के लिए मैंने अपने जेवर और प्रॉपर्टी तक बेच दी, इतना बुरा वक्त मैंने पहले कभी नहीं देखा था, मेहनत की कमाई से अपने सपने पूरे किए थे, उन सपने को बिखरता देखे हैं। बिग बॉस के घर में मैं पूरी आत्मकथा बताऊंगी और ऑडियंस को अपनी आपबीती से रूबरू कराऊंगी। वहीं दूसरी ओर हमने कल के बिग बॉस 14 एपिसोड में देखा कि राखी ने अपनी चोरी करने की आदत को किया था एक्सेप्ट। सवालों के बीच में ही अर्शी ने राखी के बारे में कहा कि राखी को चोरी करने की आदत है, वो जब भी इवेंट्स में उनके साथ जाती थी तो वहां से शैम्पू, कंडीशनर, तौलिया, बेडशीट, कंघा सब कुछ बैग में चोरी कर ले आती थी। राखी थप्पड़ के डर से सच बोल देती हैं। वो कहती हैं, हाँ मैं चोरी करती हूँ, मैं होटल का इतना बिल भरती हूँ तो एक टॉवल, शैम्पू और कंडीशनर लेना तो जरूरी है ना। सो व्यूअर्स, क्या कहना है आपका इस खबर को लेकर, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में और देखते रहिए टेली मसाला।